वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना क्या करता है सेक्स करता है ठीक तो उसी में और पैदा हो जाता है बच्चा पैदा हो जाता है जब सेक्स कर है बच्चा पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसा हमको मालूम था वो करेगा क्या सेक्स लेकिन भीतर मत घुसाओ पैनिश पर प्रॉपर करो लेकिन उस क्वान का प्रचार करो कोई दिक्कत नहीं है क्वाडम आप खरीदो डायरेक्ट जाके बोलो आप क्लिनिक से लेते हो ना क्लिनिक में क्वाडम कोई क्यों लेता है, है। आप मोबाइल में में कंबल में रात कंबल उड़ <coughs> उड़ के देखेंगे और <coughs> अगर उसके बारे में बात कर दो तो आप करेक्टर लेस हो गए आज जितना ब्लू फिल्म बनता है जितना कमाई ब्लू फिल्म से लोग कमा रहे हैं कोई भी ऐसा शिक्षा संस्थान है जो कमाता है लड़के पहले कंफ्यूज होते थे शादी के पहले लड़के कंफ्यूज रहते थे कि पीरियड होता क्या है भाई लेकिन आज लड़के खुल के जानते हैं कि ये पीरियड क्या, क्या भी आप ना? सेक्स सेक्स बोल के टीआरपी पालो तो कुछ नहीं हम टी आ, सेक्स बोल के टीआरपी पालो बिहार में या पूरे देश में क्या शादी के पहले बॉयफ्रेंड रखना या लिव इन रिलेशनशिप रखना अलाउड है कोई एक्स्ट्रा लड़की है उससे सेक्स करता होगा तब तो आप मजा लेती है कि नहीं मेरा बेटा सही है तुम कहो जनसक्षा बढ़ती जाएगी और नौकरी कम होगा तो लोग चिल्लाते रहेंगे बेरोजगारी बेरोजगारी तो उस पर तो बात करेंगे ही हम दो हमारे दो नमस्कार दोस्तों देखिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान आता है विधानसभा से जिसके बाद सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो जाता है और लोग तरह तरह के उस पर आरोप लगाते हैं चलिए इनसे अभी जानने का प्रयास करेंगे अभी मेरे बगल में बैठी हुई है लॉ स्टूडेंट रूपम जी है चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे की आखिर ये जो बयान आया है क्या वो सही है या गलत है सही है बिल्कुल सही है क्योंकि आप उस, उस वक्त जब बयान आ रहा था उसका स्टेटमेंट देखिए पूरा देखिए वीडियो देखिए पूरा वीडियो देखिए किस बात पे डायरेक्ट विधानसभा में पागल है वो हाँ वो पागल तो नहीं है वो मुख्यमंत्री है माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जहां से कितना जाने कितने आई एस आई एस एस निकलते हैं और वहां पे जनसंख्या बहुत है वाकई बहुत है और कितनी अ, हम अगर नौकरी देने की बात करें जनसंख्या बढ़ती जाएगी और नौकरी कम होगा तो लोग चिल्लाते रहेंगे बेरोजगारी बेरोजगारी तो उस पर तो बात करेंगे ही हम दो हमारे दो ये जो आ, स्कीम है ये काफी अच्छा है देखिए अगर हम जिस मैं ही अगर मां बनती हूँ बच्चों को जन्म दे दू तो क्या आज की महंगाई में उसको अच्छी शिक्षा अच्छा प्रहन, प्रहन जो भी है वो दे पाऊंगी मैं नहीं, नहीं दे पाऊंगी तो इस पे अगर वो ऐसा बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है हो सकता है कि थोड़ा सा लहजा जरूर खराब हुआ होगा लेकिन मेरे मेरे विचारधारा से जो मैं देख पा सबका अपना 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 ओपिनियन है लेकिन मेरा ओपिनियन ये कहता है कि उनका स्टेटमेंट गलत नहीं था तरीका गलत हो सकता है लेकिन स्टेटमेंट गलत नहीं था जब वो गलत स्टेटमेंट नहीं दिए तो माफी क्यों मांगी माफी इसलिए उन्होंने मांगा क्योंकि उनको ट्रोलिंग हुई ना ट्रोलिंग कर दिए और बोल भी रहे हैं पूरा वीडियो देखिए अच्छा। कि मेरा विरोध करने के लिए सबको ऊपर से आदेश आया है अच्छा ऊपर से आदेश आया है वो बोले हैं अच्छा। बोले है ना तो अब जो लोग उनको विरोध कर रहे हैं सो कॉल्ड अनपढ़ लोग क्योंकि हमारे बिहार में कितने विधायक पढ़े हुए हैं वो तो आपको भी पता है कितने विधायक पढ़े लिखे हैं आंकड़ा निकाल के दिखा दीजिए कि पढ़े लिखे हैं सारे तो मैं मान लू सारे तो आई एस आई पी एस के अंडर ही रहते हैं आई एस आई पी एस पढ़ा होता है सारे तो उनके ही अंडर रहते हैं और बात करते हैं अगर इस देश में इस बिहार में बिहार की राजधानी पटना में हम रह रहे हैं और फिर अगर ये सो कॉल्ड चीप माइंडेड रखेंगे तो क्या हमारा बिहार प्रोग्रेस कर पाएगा आज पैडमैन बन गया तो पीरियड के बारे में लोग खुल के बात करते हैं पीरियड क्या होता है आज लड़के पहले कंफ्यूज होते थे शादी के पहले लड़के कंफ्यूज रहते थे कि पीरियड होता क्या है भाई लेकिन आज लड़के खुल के जानते हैं कि ये पीरियड क्या होता है वो जो पैड लोग देखते थे पहले उसको देखते एक है क्या सच बताइएगा था कि नहीं तो जब सर्मात। जब तक पीरियड का एजुकेशन किसी को नहीं मिला था आप लोग कंफ्यूज रहते थे कि नहीं अब खुल के पता चला ना कि वो क्यों होता है वो पैड क्यों बना है तो पीरियड बच्चे कैसे होते हैं अगर हम सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे तो आए दिन हमारे देश में ना जाने कितने गर्भपात होंगे ना जाने कितनी महिला जो है ना सूली चढ़ जाएगी कितने बच्चे को गर्भपात करवा दिया जाएगा और अनचाहा बच्चा जब जन्म ले लेता है तो हर वक्त स्त्री को ही कोसा जाता है ये बात गलत है नहीं तो इस पर रोक लगाने के लिए साथ ही साथ हमारे बिहार के इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए हमारे देश को इकोनॉमी का इकोनॉमी एकनौ, को अच्छा करने के लिए ये सारा एक पहल है उस उसपे बस माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो वीडियो मैं अभी दिखाना चाहूंगी प्लीज और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी और जितने बाइट लेंगे मेरे से रिकॉर्डिंग सुना है वो बिल्कुल नहीं सुनती तो मैं कैसे बोल रही हूँ ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ मैं फिर खुल के एक्सप्लेन करूंगी लीजिए और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सब होता है उसके साथ करता है ना क्या करता है सेक्स करता है ठीक तो उसी में और पैदा हो जाता है बच्चा पैदा हो जाता है जब सेक्स कर लेता है बच्चा पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसा हमको मालूम था वो करेगा क्या सेक्स लेकिन भीतर मत घुसाओ पेनिश पर प्रॉपर करो लेकिन उसके बाद बाहर कर दो क्या इसमें क्या गलत है आम बोलचाल की भाषा में हम लोग तो सब जानते हैं शादी क्यों होता है अल्टीमेटली पहुंचना तो वही है पहुंचना तो वही ठीक बस उसको मुंह पे ले आए ओपन हो गए तो खराब हो गए आपस में बात करो तो ठीक आज जितना ब्लू फिल्म बनता है जितना कमाई ब्लू फिल्म से लोग कमा रहे हैं कोई भी ऐसा शिक्षा संस्थान है जो कमाता है उससे उस ज्यादा नहीं मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन एक बात कह रही हूँ अगर आप लोग सारे शरीफ हैं और माननीय मुख्यमंत्री ही सिर्फ कैरेक्टरलेस हैं, तो जो वीडियो ब्लू फिल्म है उसका व्यूज कहा से जा रहा है और उस उसमें पैसा कैसे आ रहा है व्यूज जा रहा है तो पैसा आ रहा है हम छुप छुप के मोबाइल में रात में कंबल में उड़ <coughs> उड़ के देखेंगे और अगर <coughs> अगर उसके बारे में बात कर दो तो आप करेक्टर हो गए अच्छा एक सवाल है मेरा एक तरफ नीतीश का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्वांटम का प्रचार भी तो सनी लियोन कर रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई इशू नहीं है किसी को एक सेकेंड क्वांटम का प्रचार करो कोई दिक्कत नहीं है क्वान्डम आप खरीदो डायरेक्ट जाके बोलो आप क्लिनिक से लेते हो ना क्लिनिक में क्वाडम कोई क्यों लेता है आप क्वाडम क्यों रखते हो घर पे या कहीं भी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन हम तो बात करते हैं उसके बारे में और उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है सेक्स के बारे में अगर आप बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए ही क्रिएट होगा लेकिन नीतीश कुमार बोल दिए तो बयान एकदम बवाल खड़ा हो गया बवाल क्या खड़ा होगा अनपढ़ लोग कुछ है बस टीआरपी के लिए कुछ भी आप सेक्स सेक्स बोल के टीआरपी पालो तो कुछ नहीं हम टी सेक्स बोल के टीआरपी पालो तो कुछ नहीं का है भाई तो उसका जो गंदा मीनिंग होता है ना वो नहीं बोले हैं ऑन कैमरा लेकिन पीछे हाँ पीछे सबको माँ बहन का गाली देंगे अच्छा बिहार में या पूरे देश में क्या शादी के पहले बॉयफ्रेंड रखना या लिव रिल, इन रिलेशनशिप रखना अलाउड है तो कल्चर नहीं कैसे अलाउड है इसको सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं दिया गया है कर रही है लेकिन उस तरीके का मान्यता नहीं दिया जाएगा हाँ प्लस एक जो कल्चर में बात कर रही हूँ क्या कल्चर हमें इसकी इजाजत देता है कल्चर हमारा इसकी इजाजत देता, देता है नहीं देता है तलाक और डाइवोर्स तलाक मुस्लिम लोग के अंदर आता था मुस्लिम में आता था और डाइवोर्स इंग्लिश लॉ की बात करता था हमारे इंडियन कल्चर में कभी तलाक और डाइवोर्स का जिक्र था ही नहीं लेकिन अब जैसे जैसे हमारा देश दुनिया बदल रहा है इसको भी शामिल किए ना शादी के बाद किसी भी महिला को क्या हमारे कल्चर में ये अलाउड है कि आप शादी के बाद पति के सिवा किसी और से एक्स्ट्रा मेटल अफेयर करिए आप अलाउ करिएगा अच्छा आप एक महिला है आपको बुरा नहीं लगा नीतीश कुमार का बयान लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हो रही है और रो भी रही है और बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार कैसे ऐसा एक बयान एक दे सकते हैं के प्रताड़ित कैसे कर रही है कैसे हो रही है रो रही है, बोलती है नीतीश कुमार हाँ, के लिए रो रहे हैं अब हाँ? का मामला का कैसे नहीं आया दहेज के लिए जब बेटी को झोंक देते हैं या बहू को झोंक देते हैं आग में तब कहा जाता है आपका आंसू अल्टीमेटली आई तो उसी चीज के लिए थी जब आपकी बहू आपको रो रो के बोलती है कि आपका बेटा एक्स्ट्रा मेटर अफेयर चला रहा है एक्स्ट्रा मेटर अफेयर में क्या होता होगा एक्स्ट्रा लोगों से मतलब एक्स्ट्रा अफेयर में कोई एक्स्ट्रा लड़की है उससे सेक्स करता होगा तब तो आप मजा लेती है कि नहीं मेरा बेटा सही है तुम गलत हो होता है कि नहीं हमारे बिहार में मैं अक, मेरे पास बहुत सारा ऐसा केस आया है, तभी मैं भले मीडिया में नहीं दे रही हूँ तो ना ठीक है आजकल के दुनिया में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ वायरल होते हैं बहुत लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन ये तो सबको पता है कि शादी के बाद होता है स्वागत होता है, है सेक्स होता है, है? है सबको पता है तो नीतीश कुमार का बयान देना लगता है क्या आपको सही है सो बताइए सबको पता है ये बात की स्वागत होता है शादी के बाद किस इंटेंशन से बयान दे रहे थे बताइए जनसंख्या नियंत्रण पे वो कम हो है। हो वो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है आज लड़की पढ़ उनका इंटेंशन पढ़िए जब लड़की पढ़ रही है तो उस, उसको पता है कि मेरे साथ सेक्स तो होगा हम लोग इंटीमेट होंगे क्योंकि शादी अल्टीमेटली इसीलिए होती है वंश को आगे बढ़ाना होता है या हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना होता है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब इस पे बात किए तो उसमें गलती क्या है बस तरीका गलत हो सकता तो है मैं वो, बोल रही हूं। वो कहने का मतलब लोगों का ये है कि बहुत हद तक वो बोल दिए कि भीतर डालो अंदर डालो पानी निकलेगा मतलब बहुत हद तक नहीं बोले वो हाँ ये गलत है ये जो स्टेटमेंट है ना पानी ये गलत है गलत है हाँ ये गलत है लेकिन उसको वही प्रॉपर में बोलते हैं तो लोग उसको अच्छा -च्छा बोलते, च्छा अच्छा बोलते हैं अच्छा, मानते हैं हाँ उसमें ये मैंने बोला तो वो जो जिस इंटेंशन से वो स्टेटमेंट वो सही है लेकिन जो तरीका है कहीं ना कहीं कुछ परसेंट हंड्रेड में फाइव परसेंट टू टेन परसेंट ही गलत है आजकल तो सबको पता है कि स्वागरा हनुमान क्या होता है सबको पता है इसमें तो छुपाने वाली चुपाने बात वाली है। तो है और यहाँ तक की जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उन्होंने सपोर्ट किया नीतीश कुमार का कि बयान उन्होंने दिया गलत नजरिए से नहीं दिया गलत नजरिया से तो नहीं दिया उन्होंने रेप तो नहीं किया आप रेपिस्ट को विधायक जब बनाते हैं तब आपको समझ में नहीं आता है लेकिन विपक्ष लोग तो मजा ले रहे हैं ना वो बोलते हैं कि उनको कुर्सी पर से हटा देना चाहिए वो एक बीमार व्यक्ति है ऐसा भी बयान आ रहा है बताइए विपक्ष लोग बोल रहे हैं अब विपक्ष पार्टी पूछेगा तो आप लोग नहीं करते हैं सेक्स वगैरह क्या आप कैसे आ गया और आपका जब बाल बच्चा जन्म लिया वो कैसे जन्म लिया है वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाता होगा क्या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करते होंगे एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि नीतीश कुमार का बयान सही है, गलत ये में। सही सही है है गलत ये बताइए शॉर्टकट में बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है, है। महिलाएं बोले गलत उनका देने का तरीका गलत हो सकता है तरीका गलत हो सकता है लेकिन स्टेटमेंट सही है चलिए वीडियो के एंड में क्या कहिएगा दर्शकों को मैं यही कहूंगी कि देखिए आज के डेट में मैं तो कहती हूँ भूल चुक से भी सही भूल चुक ही, इन्होंने जो स्टेटमेंट ये दिया है कहीं ना कहीं हमारे बिहार में कुछ तो मॉडर्नाइजेशन जरूर आई है बिल्कुल, कोई है। <laughs> आप देखिए ना एक चीज और एक गलती और मैं मानूंगी कुछ दिन पहले पटना जंक्शन पे चल गया ब्लू फिल्म हाँ, आ? ब्लू फिल्म चल गया फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बयान दे दिए जो वो बोल रहे थे जिस मनसा से बोल रहे थे वो मनसा सही था लेकिन कुछ तरीका जो गलत था उस पे आप उनको ट्रोल करने लगे जो महिला ये ट्रोल महिलाओं के बारे में अगर महिला बोल देना तो कोई पुरुष नहीं उठेगा शादी के बाद या शादी के पहले भी हमारे कल्चर में बॉयफ्रेंड रखना अलाउड नहीं है लेकिन हम रखते हैं मैं भी हूं रिलेशनशिप में तो दोस्तों अभी मेरे साथ रूपम जी थे जिन्होंने बताया कि नीतीश कुमार का जो बयान आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इनका कहना है कि पूरी तरह से सही है कहीं भी वो गलत बयान नहीं दिए हैं और सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना कोई गलत गलत बात नहीं होता है नहीं, एक चीज बोलूंगी देखिए सेक्स एजुकेशन पे बात गलत नहीं होता है पता है क्यों क्योंकि इससे क्या होंगे हम और आप रूबरू होंगे और समाज में जागरूकता फैलेगी जिससे रेप कम होगा नहीं तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त देखिये रेप कोई अकेला ऐसा ही नहीं कर देता है उसके दिमाग में डाला जाता है कि सेक्स तो बहुत बड़ा चीज है ये है वो है अरे आप और किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है अगर हम उसको एजुकेट वेल एजुकेट करें ना और उसको एजुकेशन दे सेक्स एजुकेशन तो ये सब कुछ रुक सकता है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जय हिंद जय जै भारत